दोस्तों स्वागत है आपका लिविंग शिक्षा द्वार पर। मैं खालिद मेवाती आज आपके लिए लेकर आया हूँ जामिया बीएड 2021-22 के लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के कुछ क्वेश्चन पेपर हैं, उनको आज हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके 2021-22 के क्वेश्चन पेपर जामिया बीएड के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जंतर मंतर इन दिल्ली वॉज बिल्ट बाई जामिया, जंतर मंतर को किसने बिल्ड किया था। सबसे पहले क्वेश्चन क्या था कि जंतर मंतर है का, तो पांच जगह पर है, लेकिन जंतर मंतर को किसने बिल्ड किया था, महाराजा जयसिंह ने। क्लियर, महाराजा जयसिंह ने इसको बिल्ड किया था। ठीक है, कब, अब क्वेश्चन क्या आएगा कि इसको कब किया था, तो इसे हम लिखेंगे 1724 में, 1724 में इसको बिल्ड किया था। और ये क्वेश्चन यूपी टेट में एक बार पूछा गया था, आप इसको याद रखिएगा, यूपी टेट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जामिया बिल्ड में क्वेश्चन पूछा गया और यूपी टेट 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि जंतर मंतर को किसने बिल्ड किया था। तो क्या आप लगाएंगे, महाराजा जयसिंह। कब बिल्ड किया गया था, 1724 में इसको बिल्ड किया गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि बैटल ऑफ प्लासी विच पेव्ड फॉर द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल वॉज इन द ईयर, कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी। है बैटल ऑफ प्लासी, तो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी बच्चों 1757 में, 1757 में। अब ये हमें देखना है कि किस किस के बीच में हुई थी, तो इसके लिए हमें समझना होगा कि ये नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच में जंग हुई थी। अब नवाब सिराजुद्दौला कौन थे, नवाब सिराजुद्दौला वाज रूलर ऑफ बंगाल, ये बंगाल के उस वक्त में नवाब हुआ करते थे, और रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे, और इन दोनों के बीच में जंग होनी थी, है ना। और इनका जो असल में ये जंग भी नहीं, साजिश कह सकते हैं इसको, क्योंकि क्या हुआ, जब इन दोनों के बीच में जंग होने का पूरा तैयारी हो चुकी थी, तो नवाब सिराजुद्दौला और जगत सेठ इन दोनों ने क्या करा कि दोनों ने मिलकर साथ किसका दे दिया, जबकि नवाब सिराजुद्दौला के मिलिट्री कमांडर कौन थे, मीर जाफर, लेकिन मीर जाफर ने इनका साथ न देकर रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया, जबकि बहुत बहुत बड़ी आर्मी के साथ में बंगाल के नवाब थे और इनके पास बहुत छोटी सी आर्मी थी। लेकिन जब कहते हैं ना घर का वेद ही लंका जाए, तो जब घर का वेद घर में ही वेद हो जाता है तो लंका तो खुद ब खुद ढह जाती है। तो यही इनके साथ में हुआ कि बंगाल के नवाब इस लड़ाई को नवाब सिराजुद्दौला मीर जाफर और जगत सेठ की वजह से हार चुके थे रॉबर्ट क्लाइव से। ठीक है ना, तो क्वेश्चन किस कभी 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 किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है कि नवाब बैटल ऑफ प्लासी किस किसके बीच में हुई थी, तो हम क्या लिखेंगे, नवाब सिराजुद्दौला बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाई, देखिए ये जो रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं, सोशल रिफॉर्म्स हैं, इनसे एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। पिछले आप 3 साल के क्वेश्चन मैंने देखे हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन तो इससे पूछा ही गया, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने देखा कि आर्य समाज को किसने फाउंड किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ये तो क्लियर है किसका सही आंसर क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती। लेकिन अब क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें कि स्वामी विवेकानंद ने कौन से मिशन की शुरुआत की थी, तो हम क्या लिखेंगे, रामकृष्ण मिशन। और ये 2023 या 24 में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी, तो हम क्या लिखेंगे, स्वामी विवेकानंद। अब राजा राममोहन रॉय, राजा राममोहन रॉय इज द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया के फादर भी इनको कहा जाता है, और बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर्स है ना। तो इन्होंने किसकी शुरुआत करी थी, 1828 में ब्राह्मो समाज की इन्होंने स्थापना की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी, आर्य समाज की। अब क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई, आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो हम क्या लिखेंगे, 1875 में। क्लियर, अब ये रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने जो स्टार्ट किया था, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि रामकृष्ण है कौन, तो रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस वो ये है, एक हिंदू संत थे बहुत बड़े, उन्हीं के नाम पर स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाई, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर, क्विट इंडिया मूवमेंट इसको लॉन्च कब किया गया था, किस वक्त में इसको लॉन्च किया गया था, तो इसका सही आंसर है
1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च कब किया गया था 1942 में, 1920 में हुआ था खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट। 1930 में क्या हुआ था बच्चों, डांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये क्वेश्चन भी आता है अक्सर, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और 1911 में कैपिटल को ट्रांसफर किया गया था, पहले कलकत्ता कैपिटल थी, फिर उसके बाद में कैपिटल को दिल्ली के शिफ्ट किया गया था, कलकत्ता से टू दिल्ली। कब किया गया था, 1911 में। और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। अब दूसरा क्वेश्चन इससे कैसे बन सकता है, क्विट इंडिया मूवमेंट किसने लॉन्च किया था, तो हम क्या लिखेंगे, महात्मा गांधी, है ना। और महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट में एक स्लोगन दिया था, वो स्लोगन क्या है, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है, तो डू और डाई, करो या मरो का इसमें स्लोगन भी दिया गया था। एक और क्वेश्चन हम देख सकते हैं, किसमें एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्विट इंडिया भारत छोड़ो, क्विट इंडिया भारत छोड़ो, ये स्लोगन किसने दिया था, ये भी क्वेश्चन आता है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, यूसुफ मेहर अली ने ये स्लोगन दिया था। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है अक्सर, काफी बार ये पूछा गया है कि क्विट इंडिया, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक चीज याद रखूं, अगर क्विट इंडिया स्लोगन आता है, क्विट इंडिया स्लोगन आता है तो किसने लॉन्च किया, किसने दिया था, यूसुफ मेहर अली ने, और क्विट इंडिया मूवमेंट आता है क्वेश्चन में तो आप लिखेंगे महात्मा गांधी जी ने। क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च किया गया था, 1942 में, और जैसे मैंने आपको ऑप्शन में बताया कि 1920 में खिलाफत मूवमेंट हुआ था, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, और 1911 में कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल को ट्रांसफर किया गया था। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं, देखिए ये हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट के पिक्चर्स है जिसमें गांधी जी ने पूरा लॉन्च किया था, गांधी जी दिखाई दिखाई दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग द लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑन विच द म्युनिसिपैलिटीज आर गिवन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। हमारे संविधान में जो शेड्यूल है उसमें ये कुछ शेड्यूल है, उसमें इंपॉर्टेंट ये पूछा गया कि म्युनिसिपैलिटीज के बारे में किस में डिस्कस किया जाए, तो मैं आपको बता दूं म्युनिसिपैलिटीज के बारे में डिस्कस किया गया 12th शेड्यूल में। ठीक है, 12th शेड्यूल इसका सही आंसर जो होगा वो 12th शेड्यूल होगा। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन यह कि 9th शेड्यूल 11th शेड्यूल में किसके बारे में डिस्कस किया गया, तो 11th शेड्यूल में डिस्कस, आप सीरीज में जाइए, पहले क्या है म्युनिसिपैलिटीज 12th में, लेकिन 12th से जस्ट पहले क्या होता है, म्युनिसिपैलिटीज से पहले किसके बारे में डिस्कस हमेशा करेंगे हम, पंचायत के बारे में, तो 11th पंचायत आ गया। आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसी को याद रख लीजिए कि 12th में म्युनिसिपैलिटीज है तो इसमें क्या है पंचायत है। 10th में क्या है भाई, 10th में आता है डिस्क्वालिफाइंग ऑफ एमएलए एंड एमपीज, एमएलए एंड एमपीज, इसके बारे में बताऊं आपको कि एमएलए और एमपी को किस तरीके से डिस्क्वालिफाई वगैरह किया जाता है या कैसे होगा। तो 1985 में, 1985 में एक अमेंडमेंट हुआ था, वो था 52 अमेंडमेंट, ठीक है ना, 1985 में एक अमेंडमेंट हुआ था जो हुआ था 52nd अमेंडमेंट, ठीक है ना, और उस अमेंडमेंट में कहा गया था एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, क्लियर। और वो लॉ इसी में आता है आपका 10th शेड्यूल में, ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं है, असल में आंसर आपका ही है। तो 10th शेड्यूल में हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं, और ठीक है ना, डिस्क्वालिफाइंग एमएलए और एमपीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अब 9th शेड्यूल में क्या आता है, तो 9th शेड्यूल में आता है एबोलिशन ऑफ जमींदारी, एबोलिशन ऑफ जमींदारी, जमींदारी को एबोलिश करना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या था इसमें हमने, कि म्युनिसिपैलिटीज को किस शेड्यूल में डिस्कस किया गया, तो आप लिखेंगे 12th शेड्यूल में, 11th शेड्यूल में क्या डिस्कस किया गया, पंचायत के बारे में, 10th शेड्यूल के बारे में किसके बारे में डिस्कस किया गया आपको, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, एंड 9th शेड्यूल में किसके बारे में डिस्कस किया गया, एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम्स के बारे में। एक शेड्यूल से बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि
कि लैंग्वेज के बारे में किस शेड्यूल में डिस्कस किया गया है, तो किया गया एट्थ शेड्यूल में, ठीक है ना, एट्थ शेड्यूल इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया गया। और इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्लियर, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। और उन ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में कौन से शेड्यूल में डिस्कस किया गया, तो ये एट्थ शेड्यूल में, असल में ऑप्शन नहीं है लेकिन हमने फिर भी डिस्कस किया क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे बीएड का क्वेश्चन जामिया का हो, एएमयू बीएड का हो, या फिर आपका सीटेट हो, हर जगह इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एक्स ऑफिसो चेयरमैन कौन है, देखिए पहले हमें समझ लो पार्लियामेंट हमारे दो हाउस है ना, एक हाउस कौन सा है लोकसभा और एक हाउस कौन सा है हमारा राज्यसभा। अब राज्यसभा को हम क्या कहते हैं, राज्यसभा को हम कहते हैं अपर हाउस, है ना, अपर हाउस, और लोकसभा को हम क्या कहते हैं, लोअर हाउस, लोअर हाउस, ठीक है। अब लोअर हाउस का ऑफिसर कौन है, चेयरमैन कौन है, स्पीकर। तो क्वेश्चन अगर आता कि भाई लोकसभा का चेयरमैन कौन होता है, तो आप क्या लिखेंगे, स्पीकर, तो ये तो ऑप्शन में कट गया, ठीक है, ये लोकसभा के। प्राइम मिनिस्टर ना तो राज्यसभा का होता है चेयरमैन, ना ही लोकसभा का होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। अब आते हैं प्रेसिडेंट होते हैं या वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो पार्लियामेंट का हिस्सा होता है प्रेसिडेंट हाउस, वो अलग है बिल्कुल, और वाइस प्रेसिडेंट होता है एक्स ऑफिसो चेयरमैन। तो इसका सही आंसर क्या है, एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स कौन है। तो सबसे पहले मैं समझ लूंगा परमानेंट मेंबर है कौन कौन, ठीक है ना, तो इसमें हमारे आते हैं फ्रांस है, यूके है, यूएसए है, ठीक है, रशिया है, ठीक है। अब इसमें से ना तो स्विट्जरलैंड हुआ, ना जापान हुआ, या यूक्रेन हुआ, और नेक्स्ट आता है आपका फ्रांस, यूके, यूएसए, रशिया, है ना, और नेक्स्ट है आपका चाइना। तो हमारे फाइव जो है वो यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर है। अब आप इसमें देख लीजिए, फ्रांस भी नहीं है ऑप्शन में, तो चाइना ऑप्शन में है, तो चाइना हम इस पर लगाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कभी कभी क्या पूछा जाता है कि कितने मेंबर्स परमानेंट मेंबर है, तो आप क्या लगाएंगे, फाइव परमानेंट मेंबर है। कौन कौन से परमानेंट मेंबर है, चाइना है, यूके है, यूएसए है, रशिया एंड आपका फ्रांस है, ठीक है, और इसमें कोई भी और परमानेंट मेंबर नहीं है, क्लियर। व्हाट इज द मोटो इनकॉर्पोरेटेड अंडर आवर नेशनल एम्बलम, ठीक है, सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम, जय हिंद एंड सत्यमेव जयते। तो देखिए सत्यमेव तो कुछ है ही नहीं, सत्यम शिवम है ना, दूसरा जय हिंद मतलब किसी मोटो में नहीं है, जय हिंद हम अक्सर स्लोगन देते हैं अपनी सलामी के लिए देते हैं, कभी किसी को सलाम करते हैं तो जय हिंद बोलते हैं ऑफिशियल प्रोग्राम में। दूसरा आता है सत्यम शिवम सुंदरम, तो सत्यम शिवम सुंदरम पहले आपको मैं दिखा देता हूं कि ये है दूरदर्शन के सत्यम शिवम सुंदरम, और ये है हमारे नेशनल एम्बलम से, कुछ पिक्चर्स इस तरह की है, ये देखिए सत्यम शिवमेव जयते, तो ये हमारा नेशनल एम्बलम है, और ये अशोका पिलर से लिया गया, किससे, अशोका पिलर से। तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि हमारा नेशनल एम्बलम जो है वो कहां से लिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे, अशोका पिलर, जो अशोका ने पिलर लगवाए थे बुद्धिज्म को फैलाने के लिए, जिसमें धम्मा महमत था, धम्मा को फैलाया था, वहीं से ये आपके पिलर लिए गए, और उन पिलर में लिखा हुआ था सत्यमेव जयते, तो ये हमारा नेशनल एम्बलम का मोटो है, सत्य की हमेशा जीत होती है। दूसरा क्या, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम का ये आपका दूरदर्शन का मोटो है, तो हमारा सही आंसर क्या हुआ, हमारा सही आंसर हुआ सत्यम, सत्यमेव जयते, क्लियर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फ्रेंच वर कंप्लीटली डिफीटेड बाय द इंग्लिश,
देखिए पहली बात तो हमें क्लियर करना पड़ेगा, ऑप्शन हम देखें तो बैटल ऑफ प्लासी तो हो ही नहीं सकता। जैसा भी अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि बैटल ऑफ प्लासी को 1757 में बंगाल के नवाब एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स इनके बीच में हुई थी, तो इसमें फ्रेंच का कोई रोल ही नहीं था, तो ये ऑप्शन तो गया, ठीक है ना। अब दूसरी बचती है आपका बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है ना। तो बैटल ऑफ बक्सर जो है वो किस किस के बीच में हुई थी, तो वो बैटल ऑफ बक्सर जो हुई थी बच्चों वो हुई थी आपका बंगाल के नवाब जो थे हैं मीर कासिम, अवध के नवाब हैं अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम, ठीक है ना। इन तीनों ने मिलकर किसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी, और कब लड़ी थी, 1764 में। तो ये लड़ाई में कोई कोई फ्रेंच का रोल नहीं था। नेक्स्ट आता है बैटल ऑफ अदियार, बैटल ऑफ अदियार जो है 1746 में फ्रेंच और अर्कोट के नवाब के बीच में हुई थी, क्लियर। तो इसका अब बचा क्या आंसर, बैटल ऑफ वेंडीवर्स। तो बैटल ऑफ वेंडीवर्स जो है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश ने फ्रेंच को कंप्लीट तरीके से कंप्लीटली हरा दिया था, और ये कब हुई थी, 1760 में, ठीक है ना, 1760 में। तो क्वेश्चन अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि फ्रेंच को कंप्लीटली कब हराया था इंग्लिश ने, तो 1760 में, उसके बाद में फ्रेंच वापस हो गए, देन उसके बाद में मतलब कमजोर पड़ चुके थे, फिर उसके बाद में बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुई, और ये हुई थी बंगाल के नवाब मीर कासिम एंड अवध के नवाब शुजाउद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम, इन तीनों का अलायंस बना और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में लड़ाई लड़े 1764 में। फिर हुई थी बैटल ऑफ प्लासी 1757 में बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई, क्लियर। और बैटल ऑफ अदियार 1746 में फ्रेंच और अर्कोट के नवाब इनके बीच में जब हुई थी। तो इसका सही आंसर है बैटल ऑफ वेंडीवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हुज प्रायर परमिशन इज मैंडेटरी टू इंट्रोड्यूस अ मनी बिल इन द पार्लियामेंट इन इंडिया। देखिए बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी अगर चेंज हुआ आपका आंसर चेंज, क्लियर। तो आपको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, किसकी परमिशन मैंडेटरी है मनी बिल के लिए, है ना। अगर पार्लियामेंट इन इंडिया आता है तो पार्लियामेंट इन इंडिया के अंदर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी मनी बिल के लिए किसकी परमिशन कंपलसरी है, तो आप लगाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। लेकिन हरियाणा स्टेट कमीशन के अंदर, स्टेट सर्विस के अंदर ये पूछा गया था, हरियाणा के अंदर ये सवाल आया था, यहां पार्लियामेंट की जगह स्टेट असेंबली था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, सिर्फ क्या चेंज हुआ था, हरियाणा स्टेट असेंबली, कि हरियाणा स्टेट असेंबली में अगर मनी बिल पास करना हो तो किसकी परमिशन हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसका सही आंसर होगा गवर्नर, है ना। तो इस चीज पर ध्यान रखिएगा कि अगर पार्लियामेंट इन इंडिया आता है तो आपका सही आंसर होगा प्रेसिडेंट, ठीक है, कि मनी बिल की परमिशन के इंट्रोड्यूस करने के लिए परमिशन प्रेसिडेंट की जरूरी है, कहां पर, पार्लियामेंट इन इंडिया में। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि स्टेट असेंबली में किसकी जरूरत होगी, तो आप क्या लिखेंगे, गवर्नर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, द बर्थ रेट मेजर नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ ईयर। सीधा इसका क्वेश्चन आता है 1000, इसमें हमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप समझ लीजिए कि कोई भी हम जब रेट्स काउंट करते हैं तो वो 1000 पर ही काउंट करते हैं, चाहे बर्थ रेट हो चाहे डेथ रेट हो, ठीक है ना। तो 1000 पॉपुलेशन पर ही हम लोग काउंट करते हैं, इसको बस आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। व्हेन महात्मा गांधी वाज असेसिनेटेड, अच्छा,
ऐसा कौन सा शख्स था जिसने महात्मा गांधी की जब डेथ हुई थी तो महात्मा गांधी की डेथ पर इस बात को कहा था कि कौन यकीन करेगा कि एक आदमी इस तरह की सोल का और इस तरह के शरीर का आदमी इस दुनिया के अंदर कभी आया था, है कौन सा ऐसा शख्स था। देखिए महात्मा गांधी को सिर्फ नेशनल पर्सनैलिटी अगर हम कहें तो बहुत गलत होगा, और अगर हम इस बात को कहें कि महात्मा गांधी ने सिर्फ इंडिया के लिए काम किया बापू ने, तो ये भी गलत होगा। महात्मा गांधी इंटरनेशनल फिगर थे। महात्मा गांधी ने जो इस दुनिया को दिया, चाहे साउथ अफ्रीका के अंदर सत्याग्रह मूवमेंट हो और चाहे आपका इंडिया के अंदर फार्मर्स के लिए लड़ाई लड़ना हो या नेशनल मूवमेंट की लड़ाई लड़ना हो, बहुत ही अच्छी फिगर। और मैं कहता हूं कि महात्मा गांधी जी को हमें पढ़ना चाहिए, और जो लोग महात्मा गांधी को नहीं पढ़ते वो समझिए बेवकूफ लोग हैं। महात्मा गांधी मतलब कोई यकीन नहीं कर सकता कि इस तरह की पर्सनैलिटी की उनके अंदर, एक आदमी जो अकेला ही सब कुछ काम करने के लिए तैयार रहता था, है ना। तो महात्मा गांधी हमारे आइडियल हैं, हमारे नेशनल फादर भी हैं, और हमें उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। महात्मा गांधी ने जो इस मुल्क के लिए काम किया, तो महात्मा गांधी का जब डेथ हुई तो सारी दुनिया गम में डूब चुकी थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि देश गम में डूबा था, पूरी दुनिया गम में डूब चुकी थी। उस वक्त में किसने इस शख्स बात को कहा था कि कौन यकीन करेगा कि इस दुनिया के अंदर ऐसा भी इस बॉडी और इस आत्मा के साथ में ऐसा शख्स आया था। तो ये बात किसने कही थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। मैंने क्या कहा आपसे कि सिर्फ एक पूरी दुनिया, पूरे हमारा देश ही दुख में नहीं था जब महात्मा गांधी की डेथ हुई, पूरी दुनिया दुख में थी, पूरी दुनिया दुखी थी कि एक ऐसा शख्स चला गया जिसने दुनिया को बहुत कुछ दिया, सिर्फ देश को नहीं पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया, ठीक है ना। तो हमारे महात्मा गांधी आइडियल हैं और हमें उन पर पढ़ना भी चाहिए और हमारे रोल मॉडल भी होने चाहिए। इन द वायलेशन ऑफ सॉर्ट लॉ गांधी जी स्टार्टेड द मूवमेंट कॉल्ड सॉर्ट लॉ। गांधी जी स्टार्टेड द मूवमेंट कॉल्ड, ठीक है ना, कि गांधी जी ने कब वॉल्यूशन किया सॉर्ट लॉ का, है ना, किस मूवमेंट के थ्रू किया था? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आपको मैं बता दूं 1990 में क्या मूवमेंट है ये, ब्रिटिशर्स के साथ में कॉपरेट नहीं करना है। कॉपरेशन मतलब सहयोग और नॉन मतलब असहयोग आंदोलन, यानी कि ब्रिटिश के साथ में सहयोग नहीं करना है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब कि सहयोग नहीं करना, उनके हॉस्पिटल नहीं जाना, उनके कॉलेज नहीं जाना, उनके कोर्ट में नहीं जाना। और ये कब हुआ था? अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो ये 1919 में स्टार्ट हुआ था, 1920 में अपने पीक पर पहुंचा था, क्लियर। और 1922 में 14 चोरी इंसिडेंट की वजह से खत्म हो गया था, मतलब कॉल ऑफ कर दिया था गांधी जी ने। स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट 1906 में स्टार्ट किया, क्लियर, अगेंस्ट द बंगाल पार्टीशंस। ये कांग्रेस ने स्टार्ट किया था, इसमें गांधी जी उस वक्त में इंडिया में नहीं थे, क्लियर। फिर आता है होम रूल मूवमेंट, इसमें आपके एनी बेसेंट वगैरह ने काम किया था। तो गांधी जी का नेक्स्ट आता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में था क्या, मैं आपको बताऊं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से, क्वेश्चन क्या आता है कि गांधी जी ने किस मूवमेंट के थ्रू सॉर्ट लॉ को ब्रेक किया था, तो हम लिखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसका सही आंसर यही है, क्लियर। लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको बताता हूं कि गांधी जी ने जब सॉर्ट लॉ को ब्रेक करने के बारे में सोचा तो अपने आश्रम में थे, और आश्रम से जब वो निकले साबरमती आश्रम से तो वो पहुंचे डांडी, ठीक है। डांडी के बीच, साबरमती आश्रम और डांडी के बीच में 240 किलोमीटर का फासला था, माइल्स का सॉरी फासला था, तकरीबन 240 माइल्स का तकरीबन फासला हुआ करता था। और 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने आश्रम से निकले, कितने लोगों के साथ में? 78 लोगों के साथ। गांधी जी अपने आश्रम से 78 लोगों के साथ में साबरमती आश्रम से निकले, और 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी डांडी पहुंचे, क्लियर। आप यकीन कर सकते हैं कि 78 लोग जब गांधी जी निकले थे, 78 लोग थे, और जब गांधी जी डांडी पहुंचे तो गांधी जी के पीछे लाखों की भीड़ थी, कितने की लाखों की भीड़ थी,
और गांधी जी ने स्वर्ण लोक को व्यक्त किया, हमारे नेशनल हीरो। एक ऐसी फिगर, मैंने हमेशा इस बात को कहा कि गांधी जी को गाली देना आसान है लेकिन गांधी जी को फॉलो करना बड़ा मुश्किल काम है, और हमें फॉलो करना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने कुर्बानियां दी। आप यकीन मानिए कि 70 जब कोई शख्स अपने घर से निकलता है तो सिर्फ 78 लोग, और कुछ ही दिन बाद 5 अप्रैल 1930 को जब दांडी पहुंचते हैं तो कितने लोग हैं, लाखों की भीड़ है। तो इसके लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहूंगा कि मैं तो अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। तो गांधी जी में यह हुनर था कि भीड़ को कैसे जुटाना है। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, कि फर्स्ट चेयरमैन कौन थे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के। तो इसमें भाई प्लानिंग कमीशन का हमेशा जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, हमेशा याद रखिएगा, वो नीति आयोग हो गया है, लेकिन पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। तो 1951 में पहली इसकी मीटिंग हुई, और इसके जो पहले चेयरमैन थे तो जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर होगा, तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सर्वपल्ली राधाकृष्ण फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर, तो हमें से याद रखना प्लानिंग कमीशन के नीति आयोग का जो चेयरमैन मोस्टली होता है तो वो कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पहली अध्यक्षता की थी प्लानिंग कमीशन की, तो 1951 में की थी, और 1951 में प्लानिंग कमीशन जब की तो इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कुछ क्वेश्चन थे जो जीएस के हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के जो पूछे गए थे आपके 2022 के एग्जाम्स में, और मैं मानता हूं कि ये आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहे होंगे। और आप एल्यूरिंग शिक्षा द्वार पर आते रहिए और यहाँ पर पढ़ते रहिए, और हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।